नॉर्थ कोरिया के बारे में एक चीज तो आप सब जानते होंगे और वो है वहाँ का डिक्टेटर किम जोंग उन। इसने अपनी तालीम स्विट्जरलैंड से हासिल की, लेकिन 17 साल की उम्र में इसे नॉर्थ कोरिया बुला लिया गया, एक ऐसे मुल्क की हुकूमत संभालने के लिए जिसकी मईशत घुटने टेक चुकी थी, जहाँ लोगों को बात करने की आजादी नहीं थी, इंटरनेट इस्तेमाल करने को नहीं था, टीवी चैनल्स पर पाबंदी थी और सिर्फ वही शोज दिखाए जाते जिनकी इजाजत हुकूमत ने दे रखी थी। इन शोज या खबरों में जो कि सिर्फ 3 घंटे के लिए आती, लोगों को नॉर्थ कोरिया की तारीफें सुनाई जाती, लीडर की इज्जत करना सिखाया जाता और अमेरिका के खिलाफ भड़काया जाता, क्योंकि अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन और डेमोक्रेसी ना होने की वजह से नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा रखी थी। किम जोंग इल ने कंट्री को इतना आइसोलेटेड कर दिया कि बिरौने मुल्क सफर तो दूर की बात, अपने ही मुल्क के दारुल हुकूमत जाने के लिए भी परमिशन लेटर की जरूरत पड़ती। नॉर्थ कोरिया पर डिक्टेटरशिप कायम रखने के लिए किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल ने टीवी शोज और अपनी तकरीरों से लोगों के जहनों में ये डाल दिया कि अमेरिका और बाकी दुश्मन मुमालिक से लोगों को बचाने के लिए वही इनका हीरो है। वैसे भी नॉर्थ कोरियन लोग जान भी कैसे सकते हैं कि आजादी और इंसानी हकूक जैसी कोई चीज होती है। इंटरनेशनल फोन कॉल्स पर पाबंदी और बैरून मुमालिक से ताल्लुकात पर मुकम्मल खात्मे की वजह से वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि कोई इंसान एक मुल्क में आजादी से भी रह सकता है। एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग से लोगों के जहनों में ये डाल दिया गया है कि हंसना कब है, रोना कब है और पहनना क्या है, ये सब आपका लीडर ही आपको बताएगा। लीडर की इज्जत या शायद डर लोगों के दिलों में कायम रखने के लिए हर घर में लीडर की तस्वीर का होना लाजमी करार दिया गया है, और अगर घर में आग लग जाती है तो नॉर्थ कोरियन लोगों को अपनी जान से पहले लीडर की तस्वीर की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। खैर, वापिस आते हैं टॉपिक पे। जब दिसम्बर 2011 में किम जोंग इल की डेथ हुई तो डिक्टेटरशिप किम जोंग उन ने संभाली, जो की स्विट्जरलैंड यानी यूरोपियन माहौल में बड़ा हुआ। इसने अपने फादर के डिक्टेटरशिप के तरीकेकार को अपनाने की मुमकिन कोशिश की और 2018 में उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह तक बोल दिया कि न्यूक्लियर बटन हर वक्त उसके मेज पर होता है। तो जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया। लेकिन जल्द ही किम जोंग उनको एहसास हो गया कि नेचुरल क्लैमिटीज और US सैंक्शंस की वजह से तजारत पर जो पाबंदी है, ये चीजें नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी को मजीद कमजोर कर रही है। इसलिए किम जोंग उन ने मॉडर्न तरीके से सोचा और नॉर्थ कोरिया की गिरती हुई इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्काइंग एरिया, पार्क्स और लोगों की सहूलत के लिए कई शॉपिंग मॉल्स खोले, और US सैंक्शंस को खत्म करने के लिए इसने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। किम जोंग उन की दूसरी मुलाकात सदर ट्रंप से वियतनाम में हुई, जिसमें किम जोंग उन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट बंद करने और बदले में US सैंक्शंस के मुकम्मल खात्मे की डील रखी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसी कोई आधी अधूरी डील नहीं करना चाहता था, वो चाहता था एक बिग डील, यानी नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स का मुकम्मल खात्मा। नतीजा ये निकला कि कोई डील ना हो सकी। इस दफा वो नॉर्थ कोरिया वापसी पर सख्त गुस्से में था और अपने लोगों से स्पीच के दौरान वो रोया ताकि लोग इससे इमोशनली कनेक्ट हो सकें और लोगों को लगे कि वो भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साउथ कोरिया विजिट पर किम जोंग उन और प्रेसिडेंट ट्रंप की तीसरी मुलाकात हुई। ये वो पहली बार था जब किसी अमरीकी सदर ने नॉर्थ कोरिया में कदम रखा हो। थ्री फील्ड अटेम्प्ट्स यानी 3 फील्ड मुलाकातों में किम जोंग उन US सैंक्शंस के खात्मे के लिए कुछ ना कर सका, तो फिर किम जोंग उन ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हवासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। ये मॉन्स्टर मिसाइल नॉर्थ कोरिया से सीधा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क को तबाह करने की सलाहियत रखता है, और ऐसी ही 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और कई दूसरी मिसाइल्स 2022 में लॉन्च की। लेकिन US सैंक्शंस के बावजूद ये इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास पैसा आ कहां से रहा है? इसके लिए नॉर्थ कोरिया ड्रग्स और असला स्मगल करता है। 2020 में एक असले से भरी कार्गो शिप जो कि नॉर्थ कोरिया से इजिप्ट जा रही थी पकड़ी गई। अपनी मोईशी जरूरत को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया नकली डॉलर्स भी छापता है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योनयांग में ऑफिस 39 के नाम से एक ऑफिस है, जहां नकली डॉलर्स बनते हैं और इनमें इंक भी वही इस्तेमाल की जाती है जो असली डॉलर में की जाती है, और डॉलर छापने के लिए कागज भी वही इस्तेमाल किया जाता है जो एक्चुअल डॉलर्स में होता है। साइबर क्राइम से भी नॉर्थ कोरिया अच्छा खासा कमा लेता है। नॉर्थ कोरिया में लजारस ग्रुप के नाम से एक साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से नॉर्थ कोरिया सालाना $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाता है। नॉर्थ कोरिया ने पूरी दुनिया में तकरीबन 130 रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं, जिनसे नॉर्थ कोरिया सालाना हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। नॉर्थ कोरिया कई ममालिक में मजदूर बेचता है और इनकी मजदूरी मजदूर को देने की बजाय सीधा ऑफिस 39
आइलैंड में जमा हो जाती है। ये सब गैर कानूनी काम नॉर्थ कोरियन मिसाइल लॉन्चेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करते हैं। याद रखें कि इस बार यूएन में लगने वाली नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस को रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया। आखिर में समरी ये निकलती है कि नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन लोगों से कनेक्ट करने और सहूलतें देकर नॉर्थ कोरियन लोगों का हीरो बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है।